तो कल जहाँ से पढ़ा लिया था उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। कल हमने आपको बताए थे कि सरल आवर्त गति के समीकरण क्या हुआ करते हैं, और कल यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है, तो बच्चों एक बार सभी लोग जुड़ गए हैं तो यस बोल दीजिए। यस ओके सर। सर, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारे साथ 21 लोग लाइव हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लास के एंड तक 21 लोग रहेंगे, और ठीक ना, आप लोग बने रहिए, पूरे तरीके से सुनिए, क्लास को अच्छे से समझिए। तो आज का हमारा टॉपिक है, और आज के टॉपिक को करने के पहले मैं आपसे एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। कल मैंने आपको जो सरल आवर्त गति पढ़ाई, वो मैंने सरल आवर्त गति आपको पढ़ाई थी किस अक्ष में? वाई अक्ष में सरल आवर्त गति आपने देखी थी, और वाई अक्ष में आपका जो समीकरण आया था वो बना था वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो आज मेरा पहला सवाल है कि वाई अक्ष में सरल आवर्त गति तो आपने देख ली है, अब अगर आप एक्स अक्ष में सरल आवर्त गति देखेंगे तो एक्स अक्ष में भी सरल आवर्त गति आपको दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट थे एक्स कॉमा वाई। तो कल आपने वाई अक्ष की सरल आवर्त गति तो देख ली थी कि पहले विस्थापन जीरो था, जीरो से अधिकतम, फिर अधिकतम से जीरो, फिर निगेटिव जाता था। आज मुझे बताइए कि एक्स अक्ष में सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होगा? एक्स अक्ष में सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होगा? एक्स अक्ष में सरल आवर्त गति का समीकरण बताइए। कौन बता पाएगा एक्स अक्ष में सरल आवर्त गति का समीकरण? क्या कोई बता सर सकता है? एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा। एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये लिख लीजिए आप लोग बच्चों। एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये सरल आवर्त गति का समीकरण है। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे ये आपके पास ये जो दूरी बनेगी ये क्या बनेगी? एक्स बनेगी, और ये एंगल कितना था? थीटा। और ये जो दूरी क्या थी? वो थी ए। ओके, तो कल मैंने आपको पढ़ाया साइन थीटा, आज ले लीजिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार है एक्स और कर्ण है ए, सो एक्स इक्वल टू कितना हो गया? ए कॉस थीटा। सो एक्स इक्वल टू ए कॉस, और कल मैंने बताया था थीटा की जगह पे कितना होता है? ओमेगा टी। तो समीकरण लिख लीजिए, एक्स अक्ष में अगर आप सरल आवर्त गति देख रहे हैं तो इसका जो समीकरण बनेगा वो बनेगा एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। एक्स अक्ष में सरल आवर्त गति का समीकरण बनेगा एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है युवराज, इधर आओ। चलिए नोट कर लीजिए इसको बच्चों, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, किसको समझ में नहीं आया है एक बार बताइए, सभी को आ गया समझ में? लॉक कर दो इसको, बंद करो। डन, चले आगे। यस सर। ओके, चलिए अब आज का टॉपिक है बच्चों हमारा प्रश्न क्रमांक 3। इसके पहले शायद प्रश्न क्रमांक 1 और 2 हमने कर लिए हैं, और आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लूँ एक बार, मैं चेक कर लूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 आज पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा सरल आवर्त गति में गति करते हुए किसी कण के वेग के लिए सूत्र उत्पन्न करिए। तो आज का काम है वेग उत्पन्न करना है, तथा बताइए कि कण का वेग अधिकतम कब और न्यूनतम कब होता है। मतलब हमको निकालना है वी अधिकतम और वी न्यूनतम। सरल आवर्त गति में हमको निकालना है वी मैक्स, मैक्स मतलब अधिकतम, और वी मिनिमम मतलब कि हमको न्यूनतम वेग हमको डेराइव करना है। सवाल लिख लीजिए, सरल आवर्त गति में गति करते हुए किसी पिंड के लिए, कण के लिए आपको अधिकतम और न्यूनतम वेग बताना है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब इसके लिए पहले मेरे को आपको थोड़ा सा रूल बताने पड़ेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, अगर आपके पास कोई डिफरेंशिएशन है, अवकलन है ना, अवकलन आपके पास दिया गया है बच्चों साइन एक्स का, तो बेटा इसका फॉर्मूला लिख लो कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स अगर कॉस एक्स दिया गया है बच्चों तो इसका डिफरेंशिएशन होगा
माइनस साइन एक्स। तो सवाल साइन, हाँ बोलो बेटा क्या बोल रहे हो। माइक ऑन करके बोलिए किस बच्चे ने बात की अभी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन जो होता है वो होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो अवकलन हुआ करता है माइनस साइन एक्स। ये देखिए साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। क्लियर है बच्चों? हाँ ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी जानकारी और रखिए इसके बारे में कि अगर आप साइन एक्स का अवकलन कर रहे हैं तो कॉस एक्स आ रहा है, बट यदि साइन एक्स के साथ में कुछ भी रहे, सपोज ए, तो अगर साइन ए एक्स रहे तो याद रखना कि ये जो अवकलन करने पर ए होता है ये बाहर आ जाता है, तो साइन ए एक्स का कितना होगा अवकलन? कॉस ए एक्स तो होगा बट ए कहाँ आ जाएगा? बाहर। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स अगर आप कॉस ए एक्स का करोगे तो कॉस ए एक्स का साइन ए एक्स तो होगा माइनस में और ए बाहर आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले नोट कर लीजिए। आज इसी तरीके से हमारे सामने जो आने वाला है वो वाला है डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा जो है वो कहाँ आ जाएगा? बाहर। इसी तरीके से डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी का कितना हो जाएगा अवकलन? माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा क्योंकि टी के साथ में है तो कहाँ आ जाएगा? बाहर, क्योंकि एक्स के साथ में ए था तो ए बाहर आ गया था, और यहाँ पे टी के साथ कौन है? ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। यस, ये नोट कर लीजिए इतना, और मुझे बताइए समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया। क्लियर है सभी को? हाँ भाई छत्रपाल, समझ में आ गया भैया? माइक ऑन करके बताओ, क्लियर है? यस ओके ठीक है छत्रपाल। सर, हाँ अभय प्रताप सिंह, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यस सर। ओके तो ये देखिए इस तरीके से आपने डिफरेंशिएट कर लिया है। अब आइए अब हम करते हैं अपने काम को। मतलब आपसे कोई भी पूछे, कोई भी अगर आपसे पूछे कि बताइए डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स का अवकलन क्या होगा, तो सबसे पहले जो करते हो वो कर दो कॉस ए एक्स, और फिर एक्स के साथ में ए लगा हुआ है तो ए आगे चिपका दो। मतलब एक्स के साथ जो चिपका होता है वो बाहर आ जाता है, अवकलन का फायदा ये है। बस इतना आप याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने मेन कार्यक्रम पे। आज जो हम व्युत्पन्न करना चाह रहे हैं क्या? वेग का समीकरण। तो अब मैं आपको व्युत्पन्न करा रहा हूँ यहाँ पे वेग का समीकरण। तो हमारे पास विस्थापन क्या है बेटा? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये है विस्थापन। ओके आप सब लोग जानते हो कि वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन का दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, मतलब डी वाई बाई डी टी, ये वेग होता है डी वाई बाई डी टी। तो आपने डी वाई डी टी बाहर लिया और वाई की जगह में क्या पुट कर दो? ए साइन ओमेगा टी। तो ए तो कांस्टेंट है, नियतांक है, डी बाई डी टी के अंदर बनेगा क्या? साइन ओमेगा टी। ओके यहाँ पे ए, और अभी अभी मैंने बताया साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और मल्टीप्लाई में क्या बेटा? ओमेगा। तो ये हो गया ए ओमेगा ब्रैकेट में कॉस ओमेगा टी। क्लास 10th में आप लोग पढ़ करके आए हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए ओमेगा अंडर रूट कॉस ओमेगा टी का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कॉस ओमेगा टी की जगह आप अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपको लिखना पड़ेगा। अच्छे से देखो, आराम से तसल्ली के साथ देखो, किसी लाइन में कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। एनी प्रॉब्लम? ओके अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो ठीक है अपने पास में। यहां से अगर आप ओमेगा को रहने दो और ए को अंदर कर दो, ए को आपने अंदर कर दिया,
तो ए अंदर रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन के जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि रूट के बाहर ए बन के निकला होगा तो अंदर कैसे जाएगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या चल रहा है, ये वेलोसिटी निकल रही है, स्पीड निकल रही है ना, मतलब वेग निकल रहा है। सो वी बराबर हो जाएगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओमेगा ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो वी इक्वल्स टू ओमेगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर को मिला के ए साइन टी का होल स्क्वायर। तो वी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू किसके इक्वल थी, वाई के इक्वल, तो ये आ गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों ये है आपके वेग का समीकरण, लिख लीजिए वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नोट कर लीजिए। ये आ गई आपकी वेलोसिटी। नोट करके डन बोलिए। डन डन सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, डन सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग एक बार और, ठीक ना। तो ये आपके पास आ गया बच्चों v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखो a तो कांस्टेंट है, y बदलेगा। अब देखते हैं जिस समय, देखिए आप कल आपने देखा था y की दो वैल्यू निकली थी, y की सबसे कम वैल्यू क्या निकली थी जिस समय यहाँ पे था, तो y की वैल्यू सबसे कम हुई थी y बराबर जीरो, विस्थापन जीरो था, और अधिकतम विस्थापन कितना गया था y बराबर a, तो एक विस्थापन सबसे कम ये था। तो जिस समय विस्थापन सबसे कम घटेगा उस समय अधिकतम वेलोसिटी निकलेगी, तो v मैक्सिमम कब निकलेगी, v मैक्सिमम तब निकलेगी जब विस्थापन सबसे कम होगा। तो आओ v मैक्सिमम निकाल लेते हैं, v मैक्सिमम बराबर अधिकतम वेलोसिटी बराबर ए स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, वाई बराबर जीरो पुट कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया ओमेगा और इनटू ए, जिसको हम बोलते हैं ए ओमेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है यहाँ पे, अधिकतम वेलोसिटी बराबर ए ओमेगा। तो पेंडुलम की अधिकतम वेलोसिटी या सरल आवर्त गति करते हुए की अधिकतम वेलोसिटी कब होती है, जिस समय उसका विस्थापन जीरो होता है, और इसका विस्थापन जीरो कब होता है, मध्य अवस्था पे, तो माध्य अवस्था पे मैक्सिमम होती है, माध्य अवस्था, ठीक ना। माध्य अवस्था पे जो वेलोसिटी होती है पेंडुलम की या किसी भी सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की कितनी होती है, जीरो। अब बात करते हैं अधिकतम आयाम पर, या तो प्लस ए या तो वाई बराबर माइनस ए। तो आइए देखते हैं मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए सेकेंड केस बनाते हैं, एट y इक्वल्स टू प्लस माइनस a, मतलब आयाम आप अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे मैंने पॉजिटिव a लिया है, कैपिटल लिया है, बड़ा वाला a, तो मैं बड़ा वाला a ले लूँगा। तो y बराबर प्लस माइनस अगर आप a ले लेंगे तो चलिए देखते हैं v मैक्स कितना आएगा, v कितना आएगा, तो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a का स्क्वायर है और माइनस फिर से a का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो गया, जीरो। ये न्यूनतम वेग है तो मिनिमम वेलोसिटी बराबर कितनी होगी, जीरो। ओके, तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की अधिकतम वेग होगा ए ओमेगा और न्यूनतम वेग होगा कितना, जीरो। नोट करिए इसको। डन सर।
हाँ बच्चों, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? हेलो, बताएं बच्चे एक बार। सर। ओके यस सर। ओके, तो वी मिनिमम इक्वल्स टू हो जाएगा 0, मतलब न्यूनतम जो वेग होगा वो 0 होगा, और अधिकतम वेग कितना होगा? ए ओमेगा। तो वी मैक्सिमम इक्वल्स टू ए ओमेगा। ओके, और न्यूनतम वेग आपने कितना देख लिया है? 0, 0। चलिए आगे चलें। डन डन। यस सर। ओके ठीक है, तो देखते हैं हमने क्या कर लिया। हमने सॉल्व कर लिया है, देखिए अधिकतम वेग आया हमारे पास सरल आवर्त गति करते हुए, कण का वेग निकल आया जो हमने निकाला बिल्कुल सही, वी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास वेग। ठीक है, और हमारा अधिकतम और न्यूनतम वेग इस तरीके से हमने निकाल लिया। यहाँ पर एक बात और ध्यान में देने वाली है कि यदि यहीं पर हमसे कोई बोले कि आप सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा निकालें, तो बहुत आसान है गतिज ऊर्जा, क्योंकि आपके पास वेग का फॉर्मूला आ चुका है। और वेग का फॉर्मूला क्या आया है? वेग का फॉर्मूला आया है आपके पास ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है आपके पास वेग का फॉर्मूला। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बेहद आसान होता है। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा आप बना सकते हैं 1/2 एम की जगह एम, और वी स्क्वायर की जगह ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस विस्थापन वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये नोट कर लीजिए, ये गतिज ऊर्जा का समीकरण आ चुका है कि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यस ओके। अब यहां पर हम गतिज ऊर्जा की अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहां पर हम गतिज ऊर्जा की अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हमें गतिज ऊर्जा की अधिकतम वैल्यू निकालनी है तो y बराबर हम 0 कर देते हैं, मतलब दो केस हमारे पास बनते हैं, एक y बराबर 0 पर और एक y बराबर a पर। तो अगर हम y बराबर 0 पर यानी कि माध्यावस्था की बात करें, अगर हम माध्यावस्था की बात करें y बराबर 0 पर, तो गतिज ऊर्जा कितनी निकलेगी? देखिए, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकलेगी k इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, और ए स्क्वायर में से 0 माइनस होगा तो केवल ए स्क्वायर बनेगा। तो बच्चों ये है अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम या के अधिकतम। और अगर हम बात करते हैं वाई बराबर प्लस माइनस ए पर, जिसको बोलते हैं चरम बिंदु, चरम बिंदु मतलब अधिकतम वाले बिंदु, ठीक ना? जैसे ये पेंडुलम है, पेंडुलम अधिकतम कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जाएगा, है ना? तो ये इसका चरम बिंदु है। तो इस बिंदु पर आएगा तो जा करके रुक जाता है, मतलब इस बिंदु पर वेग कितना होता है? 0। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि चरम बिंदु पर अधिकतम विस्थापन की स्थिति पर वेग कितना होता है? 0। तो आइए अब गतिज ऊर्जा निकालते हैं। तो गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर, और आपको पता है चरम बिंदु पे वाई की वैल्यू क्या होती है? ए होती है। तो वाई का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 0। मतलब यहाँ पर वेग भी 0 है और साथ ही साथ ऊर्जा भी 0 है। और यहाँ पर वेग भी मैक्सिमम है, वेग कितना है अधिकतम? ए ओमेगा। और गतिज ऊर्जा भी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नोट कर लीजिए। समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके, तो ये हो गई आपकी गतिज ऊर्जा, अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम, इस तरीके से आप जो है गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं।
चलिए डन बच्चों। ओके यस सर। ठीक है यस सर। ओके बच्चों चलिए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सर। डन। ठीक है तो अब मैं अगले टॉपिक पे चल रहा हूँ बच्चों। अभी आपने निकाला है सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का, क्या निकाला आपने, गतिज ऊर्जा निकाल ली, वेग निकाल ली। अगला टॉपिक नोट करिए, अगला टॉपिक है सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का त्वरण। अब हम त्वरण निकालने जा रहे हैं, अब हम त्वरण निकालने जा रहे हैं, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का त्वरण। यस, ये देखिए सवाल नंबर 4 है, सरल आवर्त गति करते हुए कण के त्वरण के व्यंजक स्थापित करना है। हमको अब यहाँ पर बताना है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण कितना होगा। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, यहाँ पर हमको त्वरण निकालना है। त्वरण निकालने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ बच्चों। देखिए क्या मैंने बताया था आपको, मैंने आपको बताया था बच्चों कि सरल आवर्त गति का समीकरण होता है एफ बराबर माइनस एक्स। सरल आवर्त गति करते हुए पिंड जो होते हैं इस रूल को फॉलो किया करते हैं, जहाँ पर एफ है प्रत्यानयन बल जो हमेशा माध्यावस्था की तरफ लगता है, और एक्स क्या है विस्थापन। दोनों के बीच में माइनस साइन इसलिए आता है क्योंकि एक दूसरे के ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। प्रत्यानयन बल आगे लगता है तो विस्थापन पीछे होता है ना, और प्रत्यानयन बल पीछे लगता है तो विस्थापन आगे होता है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर मैं इसको हटाऊँ माइनस साइन को तो एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स, एक समीकरण ये बन गया हमारे पास। न्यूटन के नियम से एफ बराबर एम इंटू ए, एंड एम इंटू ए इज इक्वल टू माइनस का के एक्स, ए इक्वल टू माइनस का के अपॉन एम इंटू कितना एक्स, ए इक्वल टू के जो कि एक कांस्टेंट है नियतांक है, अपॉन एम मतलब द्रव्यमान, और माइनस का एक्स ये कर लिया। यहाँ पर के भी नियतांक है और द्रव्यमान भी नियतांक है, तो दोनों को नियतांक है और नियतांकों को हटाते हैं तो समानुपाती आता है, समानुपाती को हटाते हैं तो नियतांक आता है। तो अभी हम नियतांक को हटाएंगे, तो हमने नियतांक को हटाया और समानुपाती लगाया, तो ये नियम बन गया आपका किसका, ये नियम बन गया आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन के त्वरण का नियम। तो दो बातें समझ में आ रही हैं, एक बात क्या समझ में आई, हमने ये देखा कि सरल आवर्त गति में कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल उसके विस्थापन के समानुपाती होता है, दूसरा सरल आवर्त गति में कण का त्वरण वो भी विस्थापन के समानुपाती होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आइए देखते हैं अब आगे हमारा काम क्या है। हमारा काम है त्वरण का व्यंजक व्युत्पन्न करना, तो अब हम व्युत्पन्न करने जा रहे हैं त्वरण का व्यंजक। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, विस्थापन का समीकरण है। विस्थापन का समीकरण आपको पढ़ाया गया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t। तो पहले आपने वेग निकाला, वेग कैसे निकलेगा, वेग v बराबर होगा dy वाई बाई डी टी, मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, और डी वाई डी टी वेग की वैल्यू पुट कर दीजिए क्या है, a साइन ओमेगा t। हल करिए, a आएगा बाहर, डी वाई डी टी को कौन झेलेगा, साइन ओमेगा t। मैंने बताया था इसको कैसे करते हैं, a ओमेगा बाहर आ जाएगा और साइन ओमेगा t का अवकलन आज बताया cos ओमेगा t। तो ये क्या आ चुका है, वेग। अब हमें निकालना है त्वरण। सब लोग जानते हो कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर, मतलब dv बाई dt। वेग में परिवर्तन की दर होता है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। तो त्वरण बराबर d बाई dt, और वेग का वैल्यू रख दीजिए, वेग का वैल्यू क्या है, a ओमेगा cos ओमेगा t, यह है वेग की वैल्यू। तो यहाँ से a ओमेगा क्या है, नियतांक है, बाहर लीजिए, d बाई dt को कौन झेलेगा, केवल cos ओमेगा t, जी हाँ। और मैंने आपको बताया था कि cos ओमेगा t का अवकलन कैसे करेंगे, सबसे पहले cos ओमेगा t का कर देंगे
कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा एक बाहर आ जाएगा, तो कुल मिलाकर ये क्या बन गया, ये बन गया ए ओमेगा स्क्वायर एक माइनस साइन के साथ में और ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी। एक्सेलरेशन, त्वरण, त्वरण। अब जरा सा देखिए इसको, मामले को समझिए। यदि मैं यहाँ पे ए को लिखूँ और मैं माइनस को बाहर ले लूँ, ओमेगा स्क्वायर मैं इस ए को इसके साथ अंदर डाल दूँ, तो ये बन जाएगा ए साइन ओमेगा टी। ओके, ये बन जाएगा मेरे पास ए साइन ओमेगा टी। चलिए, तो ये मेरे पास बन गया ए साइन ओमेगा टी। ओके बच्चों, देखिए लिंक टूट गई। मैंने सानू हल्दकार, टाइमली नहीं आते हो क्लास में, कल से ऐड नहीं करूंगा बेटा। देखिए यहाँ पे हो गया ए साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी क्या था बच्चों हमारे पास, देखिए ध्यान से, वाई इज इक्वल टू ए साइन y ओमेगा टी हमारे पास था विस्थापन। तो हमारे पास यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, वाई। तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये आ गया आपका त्वरण। जी हाँ, ये आपका आ चुका है त्वरण, ठीक है ना। और ध्यान से देखिए, ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और साइड में माइनस वाई। अगर यहाँ पे कांस्टेंट को गैप करें तो ए प्रोपोर्शनल टू क्या आया, माइनस वाई। देखिए यहाँ से भी ये आ रहा है और ऊपर भी मैंने यही व्युत्पन्न किया है। अब आप कहेंगे कि सर वहाँ तो माइनस एक्स है और यहाँ पे माइनस वाई है, तो कोई बात नहीं बेटा, मैंने वहाँ पर विस्थापन को एक्स मान लिया था, बट यहाँ पे मैं अपने विस्थापन को वाई मान के चल रहा हूँ, तो दोनों ही बिल्कुल सही है। भावनाओं के आधार पे दोनों बिल्कुल सही है ना। त्वरण प्रपोर्शनल टू नेगेटिव विस्थापन हो रहा है, चाहे वो एक्स में हो चाहे वो वाई में। तो इस तरीके से ए की वैल्यू आ गई है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। नोट कर लीजिए सभी लोग, हाँ स्क्रीनशॉट लेके डन बोल देना। साहब समझ में नहीं आया है पूछते भी जाओ कि सर ये वाला स्टेप क्लियर कीजिए। डन सर, डन सर, ओके, सो डन सर। यस बेटा, सेकंड वाला आप फोटो ले लीजिए अब, सेकंड पार्ट की, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। डन ओके, तो डन ये सर, हमारे पास आ चुका है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। डन सर, सरल आवर्त गति का समीकरण क्लियर हो गया हमारे पास। हमने विस्थापन भी उत्पन्न कर लिया, हमने वेग भी देख लिया। चलिए, तो ये देखिए, सरल आवर्त गति में त्वरण का व्यंजक आएगा, इस तरीके से हल करेंगे। और त्वरण को इन लोगों ने बना रखा है, इन लोगों ने एफ बना रखा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने ए बनाया है, यहाँ पे एफ बना रखा है बुक में, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई बिल्कुल सही है। अब आइए कुछ चीज़ें और। आपने क्या देखा, आपने देखा कि ए इज इक्वल टू के बाई एम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के बाई एम माइनस एक्स। तो यदि मैं इस इक्वेशन को यहां से उठाऊं, ए इज इक्वल टू के बाई एम माइनस एक्स। चलिए, तो अब हम क्या डिराइव करने जा रहे हैं, आप जानना तो चाहिए ना कि सर अब क्या करने जा रहे हो। तो अब हम बनाने जा रहे हैं आवर्तकाल का समीकरण। तो लिख लीजिए, आवर्त काल का व्यंजक पढ़ने जा रहे हैं हम। सरल आवर्त गति को इंग्लिश में बोलते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आवर्त काल का व्यंजक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आवर्त काल कैसे निकाला जाता है, आवर्त काल कैसे निकाला जाता है। ओके, चलिए, तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें थी। हमने एक बार क्या पढ़ा, हमने पढ़ा समीकरण एक, इस पहले पढ़ा हमने a इज इक्वल टू के अपॉन एम माइनस का x, इसको नंबर वन दे दीजिए। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा a इज इक्वल्स टू, ये पढ़ा हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अब विस्थापन को अपन एक काम करते हैं, या तो दोनों y कर लो या तो दोनों x कर लो, है ना। तो मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ, x कर लेता हूँ। मतलब मान लीजिए कि ये सरल आवर्त गति अपन कहाँ पर खेल रहे हैं, x अक्ष पे खेल रहे हैं, तो दोनों में x आएगा, यहाँ भी x आएगा और यहाँ भी x आएगा। बताइए एग्री कि नॉट एग्री, बताइए बच्चों, क्लियर कि नॉट क्लियर। सर ये हम लोगों ने माना है ना, देखो नहीं, देखो मानने वाली बात नहीं है। अब देखिए, एक सेकंड, ये दो बच्चे जुड़ना चाहते हैं।
तो ये हमारे पास जो है देखो, पहले हमारे पास यहाँ पे ये समीकरण था, बोलो हाँ या ना, ए बराबर माइनस के बाई एम माइनस एक्स था कि नहीं था? यस ठीक है, ये सर कैसे आया है? ये न्यूटन के नियम से लेकर के आया है। तो ये जो गति है यहाँ पर हमने विस्थापन एक्स माना है, तो यहाँ पर विस्थापन एक्स के पदों में त्वरण का समीकरण ए इक्वल टू के अपॉन माइनस एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर ठीक है। दूसरा जो हमने त्वरण निकाला है हल करके, वो निकाला था ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, बट ये त्वरण वाई के टर्म में आ रहा था क्योंकि सरल आवर्त गति हम किस अक्ष में देखे थे? वाई अक्ष में देखे थे, बट हमको दोनों को एक्स अक्ष में लेना पड़ेगा। बोलो लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? यस सर तो हम जो है अपने त्वरण का यस समीकरण सर वाई अक्ष में ना लेकर के एक्स अक्ष में यदि लिखेंगे, तो ए बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस सर और अगर हाँ सर चाहे तो ऊपर वाले को भी वाई कर सकते बिल्कुल हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर आप वाई में लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप दोनों को वाई में ले लें। आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे एक ही टाइम में एक्स और वाई दोनों का इस्तेमाल नहीं होगा, एक ही टाइम में एक का ही इस्तेमाल होगा। चाहे आप एक्स अक्ष में सरलावर्त गति देखें या आप चाहें तो वाई अक्ष में सरलावर्त गति देखें, बट एक समय पे आप एक ही सरलावर्त गति देख सकते हैं, दो सरलावर्त गति आपको दिखाई नहीं देंगी। अब बोलो समझ में आ गया? यस सर चलिए यस अब देखते हैं, यहाँ पे सरलावर्त गति तो आ चुकी है, अब ध्यान से देखिए। सॉरी बेटा गलती से ए स्क्वायर लिख दिया, ये ए था, चेक कर लीजिए एक बार। ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये वाई अक्ष के लिए है। अगर आप एक्स अक्ष के लिए बात करेंगे तो क्या आएगा? ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स को अलग करके माइनस एक्स। यस बिल्कुल सही। अब दोनों के गुणांक ट्रेवल की कंपेयर कीजिए। ये देखिए यहाँ पे इसका गुणांक कितना है? ओमेगा स्क्वायर, और इसका गुणांक कितना है? के अपॉन एम, है कि नहीं है? सर यस। यस तो सर ओमेगा स्क्वायर के अपॉन एम, मतलब इसका मतलब ओमेगा का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम के इक्वल होगा। यस बच्चों यस सर चलिए, मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट के अपॉन एम। मुझे बताओ कोई ओमेगा का फॉर्मूला जानता है? टाइम पीरियड के टर्म में, आवर्त काल के टर्म में या आवृत्ति के टर्म में कोई जानता है ओमेगा का सूत्र? कोई भी बच्चा बता दे ओमेगा का सूत्र क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई सर अपॉन टी। टू पाई अपॉन टी, वेरी गुड बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी ये हुआ करता है। तो 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू के बाई एम, पलट दीजिए तो पलट देंगे तो टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एम बाई के। बेटा हमें आवर्तकाल चाहिए है तो टी को पकड़े रहो, 2 पाई को ऊपर फेंक दो, आंसर एम अपॉन के। अब कहेंगे सर ये बन गया है आपका आवर्तकाल का समीकरण, सरल आवर्त गति के लिए आवर्तकाल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम। मतलब क्या होता है बेटा? द्रव्यमान, एम का मतलब द्रव्यमान, और के का मतलब क्या होता है? के होता है बल नियतांक, के होता है बल नियतांक। तो ये हमारे पास आ गया है आवर्तकाल का समीकरण, किसके लिए है? सरल आवर्त गति के लिए। ठीक है, अब आप यदि आवृत्ति निकालना चाहो, आवृत्ति को न्यू से शो करते हैं, एफ से शो करते हैं, एन से शो करते हैं, और आवृत्ति होती है 1/आवर्तकाल, तो इसको पलटा दो तो आवृत्ति आ जाएगी। तो आवृत्ति कितनी होगी? 1/2 पाई, पलट गया ऊपर आएगा के और नीचे आएगा एम। तो नोट कर लें अच्छे से भी लोग, आवर्तकाल और आवृत्ति का समीकरण। लियो भाई नोट करो पहले जल्दी से। डन ओके फिर नीचे नोट करिए इसको, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के।
यस सर, हाँ, और यस सर, यस सर, आवृत्ति आवृत्ति का भी यस सर, समीकरण बना लें, आवृत्ति का समीकरण बना लें। बन गया बच्चों, आगे बढ़े। यस सर, ओके गुड, तो ये यस हमारे सर, पास आ गया आवृत्ति का समीकरण। हमने देख लिया कि आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है। चलिए अब देखते हैं आगे। सो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट के बाई एम। एक सेकेंड बच्चों, क्यों चलो डिगू शोर नहीं करो, अभी क्लास जो नॉक करके पूछ लो। चलिए बच्चों ठीक है, तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे पास एक सवाल आने वाला है बहुत बढ़िया सा, आइए करते हैं उस सवाल को। चलिए सवाल है हमारे पास ये, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है। समय टी पर किसी कण का विस्थापन जो है, समय टी पर किसी कण का विस्थापन वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी है। सब लोग अपनी कॉपी में लिखें कि समय टी पर किसी कण का विस्थापन ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी है, तो प्रदर्शित कीजिए कि कण सरल आवर्त गति कर रहा है। तो आपको शो करना है कि ये जो कण है ये सरल आवर्त गति कर रहा है। आइए शो करते हैं, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, बी साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हमारे पास जो कण है, कण का विस्थापन का समीकरण क्या दिया हुआ है ये मैं लिख देता हूं। तो कण के विस्थापन का समीकरण दिया है वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, और हमें शो करना है कि ये सरल आवर्त गति कर रहा है। तो सरल आवर्त गति करते हुए कण की क्या परिस्थिति होती है, क्या शर्त होती है कि कण जो है सरल आवर्त गति करेगा, उसके लिए क्या शर्त हुआ करती है। उसकी शर्त होती है कि जो उसका त्वरण आएगा, त्वरण वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके विस्थापन के नेगेटिव के। बोलो मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बच्चों, त्वरण जो यस होगा वो विस्थापन के क्या होगा, नेगेटिव के प्रोपोर्शनल होगा, ऋणात्मक विस्थापन के। हाँ या ना। सर, ओके, अब देखिए त्वरण को वैसे हम ए मानते हैं, बट ऑलरेडी यहाँ पर ए बैठा हुआ है, तो इस बार त्वरण को मैं कुछ दूसरा नाम दे देता हूँ। मैं मान लेता हूँ त्वरण का नाम इस बार स्मॉल एफ। क्या मान लेता हूँ त्वरण का नाम, स्मॉल एफ। ठीक है बच्चों, नहीं आया समझ में, या कैपिटल ए मान, या कैपिटल ए मान लेता हूँ। ठीक ना, तो लिखो माना, आ गया सर, माना त्वरण बराबर कैपिटल ए, इसका मैं त्वरण का सिंबल दे देता हूँ कैपिटल ए। स्मॉल ए इसलिए नहीं दिया क्योंकि क्वेश्चन में खुद बैठा हुआ है स्मॉल ए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वाला हमारा है कौन सा वाला प्रश्न का है, तो ये हमने त्वरण मान लिया। आइए देखते हैं त्वरण निकालते हैं। तो त्वरण निकालने के लिए सबसे पहले हमें वेग निकालना पड़ेगा, और वेग बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी टी, मतलब डी बाई डी टी, वेग की वैल्यू पुट करो, वेग होगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। चलिए सॉल्व करते हैं, ए नियतांक है बाहर आ गया, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, माइनस साइन ओमेगा टी, मैंने आपको पढ़ाया है आज, और ओमेगा बाहर आ जाता है, यस ये बाहर आ गया। फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन करो यानी अवकलन करो, बी बाहर आ जाएगा क्योंकि नियतांक है। साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है बच्चों, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर, तो कुल मिला के कितना बन गया मेरे पास, ये मेरे पास बन गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये मेरे पास आ गया वेग का समीकरण। अब हमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। अब हम त्वरण निकालते हैं, तो त्वरण निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्वरण ए माना है मैंने, और त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, डीवी बाई डीटी। तो डी वी बाई डी टी में डी बाई डी
कर दीजिए और वेग की वैल्यू ये अंदर रख दीजिए, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। चलो एक एक करके अवकलन करें, माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा बच्चों, कॉस ओमेगा टी, और क्योंकि ओमेगा टी के साथ चिपका हुआ है तो एक और ओमेगा बाहर आ गया। फिर इसका बी ओमेगा हो जाएगा। अब कॉस ओमेगा टी का अवकलन मैंने क्या बताया आपको, कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी और एक ओमेगा क्या आ जाएगा बाहर। इस तरीके से ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अगर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने पर अंदर बच रहा है ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, तो ये बच गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या जा रहा है, ये आ रहा है त्वरण ए। ध्यान से देखिए ये क्या था, ये था हमारे पास y जो हमारा सवाल था, a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूं y, तो त्वरण बराबर हो गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर y, जिसको मैं लिख सकता हूं त्वरण बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस का y। ओमेगा स्क्वायर नियतांक है तो a प्रोपोर्शनल टू माइनस y आ रहा है। अतः दी गई गति, अतः दी गति सरल आवर्त गति होगी, यस, अतः दी गई जो गति है वो सरल आवर्त गति होगी। नोट कर लीजिए, अतः दी गई गति सरल आवर्त गति होगी। पहले तो ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। चलो फिर से रिपीट करते हैं। आपके पास जो समीकरण दिया गया है विस्थापन का, y बराबर a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिद्ध करना है कि ये जो गति है ये एक सरल आवर्ती गति है। तो हमने मान लिया, हम सरल आवर्त गति कैसे शो करेंगे, सरल आवर्त गति में हमें प्रूफ करना पड़ता है कि जो त्वरण होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, तो हमें त्वरण निकालना है। तो त्वरण निकालने के लिए सबसे पहले मैंने वेग निकाला, वेग बराबर होता है डी वाई बाई डी टी, ये सॉरी वाई करना था मुझे यहाँ, डी वाई बाई डी टी। तो डी बाई डी टी वाई की जगह ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, इसका अवकलन कर दिया मैंने तो ये आ गया। आप देखते जाइए अवकलन आराम से। फिर इसके बाद मैंने त्वरण निकाला, तो त्वरण क्या होता है, डी वी बाई डी टी मतलब वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण के लिए मुझे वेग को मैंने अवकलन कर दिया, तो वेग का अवकलन करने पर माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, तो माइनस ए ओमेगा बाहर इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बी ओमेगा बाहर है कॉस ओमेगा टी का ओमेगा और माइनस साइन ओमेगा टी। इसको सॉल्व कर लिया, ये बन गया माइनस पर मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर वाई है, मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस वाई, अर्थात ए समानुपाते माइनस वाई। इस तरीके से यह गति जो होगी यह सरल आवर्ती गति होगी। कहिए क्लियर है अब? यस सर। चलो बहुत अच्छा, यस सर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, डन बोल दीजिए लेने के बाद। डन सर। यस, अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन सर। डन सर। ओके, और ये लास्ट स्क्रीनशॉट तीसरा। डन सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे पास आ गया हमारा समीकरण, ठीक है ना? यस। अब देखते हैं आगे। तो हमने सवाल किया है, यस, एक बार देख लें कितने लोग, 23 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे। तो आज ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, आज ज़्यादातर लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्रोपोर्शनल में आ गया है, और डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को क्या बोलते हैं बच्चों, हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, मतलब त्वरण जो है माइनस वाई के प्रपोर्शनल है, इसलिए ये जो गति है ये सरल आवर्ती गति है। चलिए अगला काम करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला सरल आवर्त गति में
आवर्तकाल। तो आज मैंने कई सारे फॉर्मूले डेवलप करवाए हैं, आवर्तकाल के कई सारे फॉर्मूले सरल आवर्त गति में होते हैं, कोई एक सूत्र से सारे के सारे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरल आवर्त गति किसी एक प्रकार की नहीं होती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जानकारी आपको इसके बारे में दी जा रही है। चलिए तो आवर्तकाल की मैं बात करता हूं। आवर्तकाल तो अभी अभी देखिए, मैंने आपको सरल आवर्त गति का आवर्तकाल पढ़ाया है, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट, बताओ क्या पढ़ाया है, एम बाई के पढ़ाया कि के बाई एम पढ़ाया है? के बाई एम, एम बाई के, एम बाई के। आवर्तकाल बेटा, आवर्तकाल, आवृत्ति मत देखो, आवर्तकाल देखो, के बाई एम है कि एम बाई के है? एम बाई के है, है ना। आवर्तकाल कितना है बेटा? एम बाई के। यस 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 बेटा, एम बाई के। तो आवर्तकाल इज इक्वल टू होता है एम बाई के, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे द्रव्यमान होता है और ये होता है बल नियतांक, ठीक ना। आवर्तकाल का एक फॉर्मूला मैंने कल आपको और पढ़ाया था, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट, यहां पर आता था, बोलो कितना बेटा, एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, बिल्कुल सही, विस्थापन बटे त्वरण, यहां पे आता था विस्थापन बटे त्वरण, ठीक ना। के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब जरा देखते हैं कि ये बना कैसे, ये बना कैसे है, अब हम देखते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यस, इसको पकड़ो ऊपर वाले को। बच्चों जो आपके पास रूल होता है एफ इक्वल टू के एक्स का रूल होता है, जो प्रत्यायन बल के लिए लगता है, एफ इक्वल टू के एक्स का रूल चला करता है। तो यहां से K की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, यहां से K की वैल्यू यहां से बनेगी F बाई एक्स, K की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, F बाई एक्स। एक मिनट, कुछ बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, चलिए। तो यहां से जो K की वैल्यू बनेगी वो बनेगी F बाई एक्स, ठीक है, मैं रख देता हूं, देखना ये इससे निकल करके ये आएगा, कैसे आएगा, तो T इज इक्वल टू टू पाई एम बाई के, तो M की जगह तो M है, यहां पर आ गया k की जगह f बाई एक्स, तो x पलटी मार करके चला जाएगा कहां, ऊपर, तो t इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम एक्स, एंड आप जानते हैं कि फोर्स बराबर कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m से m क्या हो गया, कैंसिल, आंसर t इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एक्स अपॉन a, बोलो हो गया डिराइव? यस सर, यस। तो ये बन गया, लिख लो फॉर्मूला, ये होता है t इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के, एंड t इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एक्स बाई ए, ये फॉर्मूला इससे डेराइव हो गया। अगर आप बात करते हैं सरल लोलक की या पेंडुलम की, तो सरल लोलक या पेंडुलम का जो आवर्तकाल आता है बेटा, t इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल, और त्वरण की जगह वहां पर कौन काम करता है, g, तो t इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये है सरल लोलक का आवर्तकाल। सर जी तो समझ में आ गए, एल क्या है? एल उसकी लंबाई है, लोलक की लंबाई, वो जो लेंथ होती है ना जिससे लटका रहता है। यस सर, ये लंबाई एल है, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है बच्चों, चले आएंगे फिर, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। हाँ डन, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें जो एग्जाम में यहां पे दिया गया है क्वेश्चन बैंक में। यस, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का विस्थापन 4 सेंटीमीटर है। चलिए तो भैया विस्थापन आपने कितना कह दिया, 4 सेंटीमीटर, तो x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, सेंटीमीटर में होते हैं 10 की पावर -2 मीटर,
क्योंकि एक सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। लिख लो भाई, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, और 1/100 को हम क्या लिखते हैं, 10^-2। यस, ये हो गया। तो विस्थापन दे दिया है कितना, 10^-2, बड़ी खुशी की बात है। एवं त्वरण π/4 cm/s², जो त्वरण दिया गया है π/4, त्वरण ए बराबर π/4 cm/s². फिर से दिक्कत कर दिया, फिर से सेंटीमीटर में आ गया, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना आएगा, π/4 × 10^-2, है ना, m/s² ये आ गया आपके पास त्वरण, m/s². आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आवर्तकाल। तो अभी मैंने पढ़ाया आवर्तकाल का फॉर्मूला, T इज इक्वल टू 2 पाई, आवर्तकाल का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर एक्स अपॉन ए, अंडर रूट के अंदर x/a। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 4 × 10^-2, ये है x की वैल्यू। ओके, T इज इक्वल्स टू 2 पाई। एक मिनट बेटा, त्वरण की वैल्यू मैंने गलत लिखी है लगता है, त्वरण की वैल्यू π²/4 है, पाई स्क्वायर कर लो उसको, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पाई स्क्वायर कर लो, ठीक है ना, त्वरण की वैल्यू π²/4 है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो कितना हो गया बेटा हमारे पास यहाँ पे, तो T इज इक्वल्स टू, हमें निकालना है आवर्तकाल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास अब यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू होती है x/a, तो x की जगह मैंने रख दिया कितना, 4 × 10^-2, और एक्सेलरेशन त्वरण, त्वरण की जगह कितना, π²/4 × 10^-2। ध्यान से देखो, 10^-2 से 10^-2 कैंसिल हो जाएगा, तो T = 2 पाई, और ऊपर 4 था, नीचे वाला 4 पलटी मार करके ऊपर आ जाएगा, 4 × 4, अंदर कितना बचेगा, π²। तो T = 2 पाई, 4 × 4 मतलब अंदर क्या बच गया, 4² यानी कि 16, और ये कितना है, π²। तो T = 2 पाई, 16 का रूट कितना आएगा, 4, और π² का रूट आएगा पाई, पाई से पाई कैंसिल, आंसर T = 2 × 4 कितने सेकेंड, 8 सेकेंड। चेक करते हैं आंसर, बिल्कुल सही, 8 सेकेंड ही करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, 8 सेकेंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। सर आ गया। ओके, डन बच्चों, यस सर, डन, चलिए ठीक है। यस सर, तो डन, ओके बच्चों, तो ठीक है, आज यहीं पर हम क्लास अपनी समाप्त करते हैं। अपना होमवर्क लिखिए, कल मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ओके, मैसेज कर यस दूंगा। सर, अभी 12th की क्लास भी लगनी है 1-2 दिन, तो यदि कल क्लास होगी तो मैसेज कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 है होमवर्क, एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। यस, तो ये 2 सवाल आपको होमवर्क करके लेके आने हैं, और इसके बाद अपना अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा तरंगे। तो तरंगे चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे हम लोग। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे बच्चों, यस सर, थैंक यू सर, गुड डे, गुड डे बच्चों।